ढाका और रियाद के दरमियान परवाज की कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग और रवानगी के मामले में नया इंकशाफ सामने आ गया है। ये पता चला है कि भारत ने बंगाली मुसाफिर होने की वजह से तैयारा मुंबई उतरने नहीं दिया। सऊदी एयरलाइंस की परवाज SP805 ढाका से रियाद जा रही थी। तफसील जानेंगे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर, बताएगा क्या मामला है, क्या डिटेल्स है? देखिए, भारतीय इंतहा पसंदी के जो मुसलमानों के हवाले से वाकयात लाखों की तादाद में हैं जो रोजाना देखने में मिलते हैं, लेकिन एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक तैयारे को आज बंबई में उतरने नहीं दिया गया, जिसकी तफसील ये थी कि सऊदी एयरलाइंस की परवाज ने ढाका से सुबह 4 बजे रियाद जाने के लिए उड़ान भरी थी। जब ये गुजरात के करीब थी भारतीय फजाई हदूद में, तो एक मुसाफर की तबीयत खराब हुई, जिस पर पायलट ने जो है वो करीब तरीन जो बंबई एयरपोर्ट था उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इतला करके जो है वो तैयारे का रुख वहां मोड़ दिया। काम थोड़ी देर में ATC की जानब से ये पूछा गया कि मुसाफर की तफसीलात क्या हैं। जब उन्होंने मुसाफर की तफसीलात बताई, जिसमें जो मुसाफर का नाम और उसकी कौमियत के बारे में बताया, तो उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर देखा जा सकता है कि पायलट ने तैयारे को जो कि लैंडिंग अप्रोच में था मुंबई में, वहां से वापस कराची की तरफ मोड़ा और उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल कराची से राबता किया, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कराची ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो तैयारे को लैंडिंग की इजाजत की। सुबह 7:28 पे कराची में सऊदी तैयारे ने लैंडिंग की, जिस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम ने फौरी तौर पर मुसाफर को तिबी इमदाद दी, जो कि जिसकी हालत जो थी वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से काफी खराब हो चुकी थी, जिसके बाद तिबी इमदाद दी गई और सुबह 1.5 घंटे बाद जो है ये तैयारा कराची से रियाद के लिए रवाना हुआ। तशवीशनाक मामला और नया इंकशाफ सामने आया कि ATC मुंबई ने मुतासर मुसाफिर की कौमियत और दीगर तफसीलात मांगी और मुंबई हुकाम ने बांग्लादेशी मुसलमान मुसाफिर को ऑफलोड करने से इनकार कर दिया। इसकी मजीद भी तफसील आपसे लेते रहेंगे। अफजल नदीम डोगर, शुक्रिया आपने अपडेट किया।